क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स। हाय हाय, क्योंकि आज किसी के पास किसी में ताकत नहीं है जब भी भर सके। इस मुमरा विभाग में कर रहे हैं और आज पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है। मुमरा में टोरेन लाने वाला कौन? उन नेता लोग ने तो वादे भी किए कि भाई हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर टोरेन आ जाएगी तो। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का मंत्री, यहाँ का आमदार, यहाँ का नगर सेवक सोए है। बीजेपी ने बोला था आमदार के नोगी को रस्ते पे आए थे। ये नहीं हुआ कि आप मंत्री बन गए तो आपने आवाज सुनना बंद कर दिया। सामने आके बोले लोग रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र राज्य में जो है बीजेपी की तरफ से जो है बिजली के बिल माफ करने को लेकर महाराष्ट्र के पूरे राज्य में जो है बीजेपी आंदोलन कर रही है। बीजेपी की मांग है महाराष्ट्र सरकार जो है बिल माफ किया जाए, जो लॉकडाउन के दरमियान का बिल है उसे माफ किया जाए। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं मुमरा शहर में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है निरंजन डावखरे के मार्गदर्शन में बीजेपी की रीता रसीद और कुणाल और तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है एक टोरेंट ऑफिस के सामने आंदोलन किया और टोरेंट के बिजली के बिल को जलाया और मांग की कि जो है सरकार लॉकडाउन के दरमियान की बिजली के बिल माफ करे। और जिस तरह से मुमरा शहर में टोरेंट के मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा गर्म है और इस पर भी हमने रीदा रशीद से बात की, कहीं ना कहीं रीदा रशीद जो है यहाँ के सत्ताधारी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आई, लेकिन वहीं शहर के लोग जो है बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के रहते हुए ही जो है टोरेंट मुमरा शील इलाकों में आई थी। आंदोलन के दौरान जो है रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए, सभी को पता है कि टोरेंट ने जो हिसाब से बिल दिया है और ये जो सरकार आग बंद करके बैठी है इन्होंने ही लाया, आज इन लोग ही बोल नहीं रहे कुछ भी। इसलिए हम जो सभी लोग जिससे तकलीफ में है, जो रोजगार नहीं है, लॉकडाउन का इतना 8 से 9 महीना लोगों ने घर में बैठ के निकाला है, जिनको के पास पैसा नहीं है, टोरेंट ने जो हिसाब से बिल दिया है आज उसी की मांग कर रहे हैं हम कि टोरेंट का बिल माफ़ किया जाए, कम तो नहीं माफ़ किया जाए, क्योंकि लोग नहीं है जो हालत में कि आज बिल भर सके, आधा भी बिल भर सके। तो इसी मांग के लिए हमने आज आंदोलन किया है पूरे महाराष्ट्र। देखिए, आपने को पता है लास्ट टाइम भी हमने आंदोलन किया था, इस बार भी किया है, आगे भी करेंगे, जब तक हम पूरा का पूरा बिल माफ करने का चाह रहे। जिस हिसाब से इनकी दादागिरी चल रही है, क्या इतना पे कर दीजिए नहीं तो इतना फाइन लगेगा, मीटर ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो इनकी दादागिरी चल रही है उस पर हमारा मांग है। जनता के पास पैसा है नहीं, सरकार आग खोल नहीं रही है, हमारी इनसे रिक्वेस्ट भी है, मांग भी है कि पूरा का पूरा बिल माफ किया जाए, क्योंकि जनता का आज के डेट में जनता के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जनता बिल पे सके। जिसके जितने बिल आए हैं उतने बिल माफ करें, क्योंकि आज किसी के पास किसी में ताकत नहीं है कि बिल भर सके, रोजगार नहीं है और महाराष्ट्र सरकार आराम से बैठी है। बहुत सारे विषय है, कोई बात ही नहीं करना है। आज मैं खाली मुमरा की बात करूं, आज हमने मुमरा में आंदोलन किया है, मुमरा में टोरेंट लाने वाला कौन ये आपको भी पता है, यहाँ की जनता को भी पता है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का मंत्री, यहाँ का आमदार, यहाँ का नगर सेवक सोए है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा बिल माफ करें यहाँ की जनता को। टोरेंट की लाने की जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी है ना, बीजेपी ने भी लाई थी ना टोरेंट? बीजेपी ने लाई थी, कहाँ लाई थी बीजेपी ने? बीजेपी ने कहाँ लाई थी? आमदार सोया था क्या? आमदार सोया था क्या? आमदार के लोगों ने जो रस्ते पे स्टेटमेंट दिया था भिवंडी में ऐसा हुआ, भिवंडी में टोरेंट ने ऐसा किया, बोलने वाला कौन था मुमरा में? बीजेपी थी क्या? बीजेपी ने बोला था, आमदार के लोग ही तो रस्ते पे आए थे। आंदोलन पत्र पहले क्यों नहीं आंदोलन पत्र जब पहले भी दिया है? पहले भी दिया है, लॉकडाउन के बीच में हमने आंदोलन किया है, आप ही ने कवर किया है वो चीज। जब सभी दलों ने आंदोलन किया था उस वक्त थे साथ में? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, देख लीजिए सोशल मीडिया उठा के,
हम डे वन से आंदोलन कर रहे लोगों के साथ में है, आज भी है, कल भी रहेंगे, जब तक लोगों की बिजली माफ नहीं होगी तब तक रहेंगे। और ये दादागिरी तो बंद करे, टोरेंट जो हिसाब से दादागिरी कर रहा है, यहाँ के आमदार को उठना चाहिए, आज के सरकार को उठना चाहिए और यहाँ के जो चमचे हैं उनको उठना चाहिए। लेकिन आप पे भी आरोप लगता है कि आप सिर्फ वक्त देकर राजनीति करने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। आरोप करने वाले कौन है, आरोप करने वाले कौन है? सामने आके बोले लोग, लोगों की आदत है पीछे से बोलने की, आके जनता के सामने बोले तब हम मानेंगे। ये जो लोग पीछे से बोल के जो घुस जाते हैं टोरेंट को लाने के बाद, जो घुस के जैसा घुस के बैठे हैं बिल में, उनको बोलिए बाहर आके रास्ते पे बात करें। रिदा रशीद जब भी बात करती है, भाजपा जब भी बात करती है तो रास्ते पे आके करती है, किसी के पीछे बात नहीं करती है। ये लॉकडाउन के दरमियान महाराष्ट्र में कई लोगों को बिजली बिल बढ़ के आए हैं, पूरे महाराष्ट्र की जनता इससे बेहाल है। हमारी सरकार से इतनी मांग है कि उस दरमियान जो बढ़कर बिल आए हैं उस बिल को माफ करे या उसमें कुछ सहूलत दे जिससे महाराष्ट्र की जनता को कुछ ना कुछ सहूलत मिले, क्योंकि आज भी परिस्थिति अपने हाथ से बाहर नहीं गई है, आज भी कोरोना का डर बढ़ते जा रहा है, इसलिए जनता आज भी बेहाल है। हमारा यही मांग है कि उद्धव सरकार से कि जनता की जो समस्या है, जनता जिस चीज़ से बेहाल है उस बेहाली को ख़त्म करे और जनता को राहत दे। इसलिए आज का हम आंदोलन भाजपा की तरफ से इस मुमरा विभाग में कर रहे हैं और आज पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है जगह जगह पे। उद्धव सरकार से भी, यहाँ के मंत्री से भी, यहाँ के आमदार से भी ये मांग है कि जनता की सुनवाई करे और जनता की आवाज़ सुने। ये नहीं हुआ कि आप मंत्री बन गए तो आपने आवाज सुनना बंद कर दिया। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसा कि अभी आपने मैडम को बोले कि भाई बीजेपी ने भी तो टोरेंट को लाने के इसमें, तो हम लोग ने ना उसके लिए आंदोलन किए ऊर्जा मंत्री से, वो टाइम पे जब तक हमारी सरकार थी मैडम, हम लोग सब जान गए थे, हम लोग की जब तक सरकार थी जब तक उसको स्टे लगा के रखे थे, टोरेंट आई नहीं थी। जब यहाँ पर हमारी सरकार गई, इन लोग की सरकार आई ना, इसके बाद में टोरेंट आ गई। और नेता लोग ने तो वादे भी किए कि भाई हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर टोरेंट आ जाएगी, तो वो सब तो हवा में हो गया। अभी यहाँ जो पब्लिक परेशान है, जो लॉकडाउन के टाइम पे जब लोगों को खाने पीने के लिए पैसे नहीं है और इतने इतने लाख रुपया लोग कहाँ से भरेंगे, इतने पैसे लोग भरेंगे कहाँ से। दूसरी बात, तनवर नगर में एक की डेथ हो गई, तनवर नगर में एक की डेथ हो गई। वो जो रेड कलर का इन लोग का बोर्ड रहता, वो बोर्ड खुला था, अब्दुल कयूम भाई करके रिक्शा ड्राइवर था, वो उसको डेड करंट लग के उसकी डेड हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये टोरेंट ही है। हाँ, और हमारी आज पूरे महाराष्ट्र में ये मांग है, यहाँ पर मुमरा में निरंजन दावकरे साहब के मार्गदर्शन में आज हमने ये प्रोग्राम किए है, आंदोलन किए है कि यहाँ पर बिल को माफ किया जाए, कोई कम बीम करने वाली डाई नहीं, माफ किया जाए।